एमपी के हरदा में कांग्रेस की जनपद पंचायत अध्यक्ष के घर के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंचे एनएच के अधिकारी और तहसीलदार को बिना कार्यवाही के ही बेरंग लौटना पड़ा। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते प्रशासन बीजेपी के दबाव में कार्यवाही कर रही है। हरदा जिले के ग्राम छोटी देवास में हरदा जनपद अध्यक्ष के घर के सामने बने टीन शेड को हटाने एनएच के अधिकारी एवं हंडिया तहसीलदार अपनी टीम के साथ पहुंचे और टीन शेड गिराने की कार्यवाही कर रहे थे। तभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल, पूर्व विधायक आर के दोगने एवं कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और तहसीलदार से टीन शेड गिराने के आदेश एवं नोटिस की कॉपी मांगी, जो दिखाने में प्रशासन की टीम असमर्थ रही। कांग्रेसियों और प्रशासन की टीम के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद प्रशासन को बिना कार्यवाही किए ही वापस लौटना पड़ा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन जिस अतिक्रमण को हटाने आया था उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम की है और एनएच द्वारा अभी तक हमें इस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसका प्रकरण अभी एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। ये कार्यवाही तहसीलदार मंत्री कमल पटेल के दबाव में करने आए थे, लेकिन हमारे द्वारा जब कार्यवाही के आदेश की कॉपी मांगी गई तो वो नहीं दिखा पाए और ना ही कोई नोटिस दिया गया। हमारे विरोध के बाद सभी अधिकारी कर्मचारी वापस चले गए। हरदा जिले के हंडिया तहसील के चिराग खान निवासी अनिल माणिक की हत्या के मामले में पुलिस हत्यारे के घर, प्रशासन हत्यारे के घर पहुंचा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी और अवैध अतिक्रमण तोड़ने। लेकिन कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दोगने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम पटेल और बाकी कांग्रेस के नेता सब इकट्ठे होकर हत्यारे के पक्ष में खड़े हुए और पुलिस प्रशासन का कार्रवाई का विरोध किया। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ हत्यारों के साथ वाले अत्याचार कर रहे हैं हमारे हरदा वालों के ऊपर। हरदा के लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अब आपने सुना ये वाला केस का, अभी मोहन पटेल जी ने बताया कि उनका डायवर्सन है, उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इसके बाद आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला उनको और तोड़ने के लिए आ गए, तो इस तरह से अन्याय है। इसी तरह से और भी दूसरे लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि ये अत्याचार किसके भरोसे कर रहे हो और किसके नाम से कर रहे हो। आज बड़ा आप दुर्भाग्य देखिए हरदा का कि मंत्री यहाँ है, यहाँ बड़े कद्दावर नेता भाजपा के और उनकी सरकार में जनता के साथ अत्याचार हो रहे हैं बगैर नोटिस दिए। नोटिस देना चाहिए आपको, नोटिस देते हैं आप, नोटिस का जवाब नहीं देते, आदमी नहीं सुन रहा है तो समझ में आती है। आप बगैर नोटिस दिए, बगैर कोई कार्रवाई किए हुए और उनका केस वहाँ एसडीएम के पास चल रहा है, उसकी सुनवाई भी नहीं कर रहे, उसका निराकरण करिए ना। निराकरण करने के बाद आप आएंगे तो हमारे पास दूसरे कोर्ट जाएंगे वहाँ पर निराकरण तो करिए। बगैर निराकरण के आप ये तोड़ने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि मंत्री जी घबरा रहे हैं, भाजपा के लोग घबरा रहे हैं और उसी उल्टी सीधी कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। ये मेरा मकान जो है कि इसमें बता रहे थे कि एनएच में है, जबकि मेरा एसडीएम साहब के यहाँ पे इस मामले में केस चल रहा है और केस का अभी कोई निराकरण हुआ नहीं है। मेरा यहाँ पे ये रजिस्ट्री है इस प्लाट की और उसके बाद में मेरा ड्राइवर्सन है, उसके बाद में ये इस चीज़ को लेके तोड़ने के लिए आ गए बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी तरीके से कोई सूचना दिए। ये देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।